मध्य प्रदेश में नए निजी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। निजी निवेशकों को मोहन यादव सरकार ऑफर देने जा रही है, जिसके तहत एमपी में मेडिकल कॉलेज निजी निवेशक खोले और अस्पताल सरकार देगी। इसके लिए जल्द जिला अस्पतालों को ऐसे निजी समूहों को सौंप दिया जाएगा जो मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज खोलना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर 14-15 मार्च से चुनाव आचार संहिता लग सकती है, सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग जल्द ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर सकता है। सूत्रों ने कहा कि अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पहले चरण के लिए मतदान हो सकता है। 2019 की तरह ही इस बार भी चुनाव 7 चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं। राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी की शादी को प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने के लिए कई सितारे पहले ही पहुंच चुके हैं। अब श्रद्धा कपूर, दिशा पटानी और सैफ अली खान के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर भी जामनगर पहुंच चुके हैं। सैफ और करीना के साथ उनके बच्चे इब्राहिम, कमर और सारा भी पहुंचे हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि प्रशासन ने इसकी जानकारी दी है और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि खजुरिया तालाब बंगला पर जो ठेका पकड़ा गया वो और किसी का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सीहोर विधायक सुदेश राय का है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा मामले में योगी सरकार ने सख्त एक्शन लिया। योगी सरकार ने पुलिस भर्ती परीक्षा लीक मामले में डीजी रेणुका मिश्रा को उनके पद से हटा दिया। अब राजीव कृष्ण को डीजी पुलिस भर्ती बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश की खीरी लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी को मैदान में उतारने संबंधी बीजेपी के फैसले की सोमवार को निंदा की और किसानों से उनकी उम्मीदवारी के खिलाफ देश भर के गांवों में जुलूस आयोजित करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रमुख स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। लोकसभा चुनाव से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य के बसपा में लौटने के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के प्रशासन की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नया पीएम बनने पर शहबाज शरीफ को बधाई दी। उन्होंने ये शुभकामना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी है। मंगलवार सुबह पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने की बधाई हो। ट्विटर, टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क ने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति होने के ताज तो गवाही दिया, अब उनके लिए एक और बुरी खबर आई है। ट्विटर के पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल ने 4 पूर्व अधिकारियों के साथ मिलकर एलन मस्क पर $128 मिलियन से अधिक का केस दर्ज किया है। दायर किए गए इस मुकदमे में यह आरोप लगाया गया है कि मस्क ने ट्विटर के अधिग्रहण के तुरंत बाद ही हजारों कर्मचारियों को बिना सही और उचित कारण के नौकरी से निकाल दिया था, जिससे कंपनी को कर्मचारियों को सही मुआवजा न देना पड़े। इसके साथ ही इन अधिकारियों ने यह भी कहा कि मस्क अपने बिल को नहीं भरते हैं।